नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,571 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 540 लोगों की जान चले गई। कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। बीते कुछ दिनों से आंकड़ा 530 के आसपास रहता था, लेकिन शुक्रवार को 540 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। वहीं 36,740 संक्रमित मरीज इस बीमारी को मात देकर अपने घर वापस लौटे। सक्रिय मरीजों की तादाद अभी भी 3,63,000 है, जो 150 दिन में सबसे कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड की बेहतर होती स्थिति के दृष्टिगत रविवार की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। यूपी में रविवार से अब सभी बाजार खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अब बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में लगातार 2 दिन से संक्रमण की एक भी पुष्टि नहीं हुई है, जो कि राहत भरी खबर है। आज फिर से स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में ना ही कोई संक्रमित मरीज मिला और ना ही आज किसी मरीज ने कोरोना से जंग जीती है, जिसके मद्देनज़र अब जो सहारनपुर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 32,902 पर ही बना हुआ है, वहीं अभी भी एक्टिव केस की संख्या 2 है, यानी कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 2 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसीलिए हम सभी को सावधानी बरतनी है, कोरोना से बचना और अपने परिवार को भी बचाना है। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करना है। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हम हर अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।